कर्म का पाठ अपना चल रहा है, अब तक अपन ने तीन कर्मों की चर्चा की, ज्ञानावरण, दक्षिणावरण और मोहनी। मोहनी कर्म के कितने भेद हैं ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं। अब आज अपन चर्चा करेंगे अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेगनी की। सबसे पहले अंतराय कर्म की चर्चा करेंगे। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं, किसे कहते हैं अंतराय कर्म? जो जीव के दान, लाभ, भोग, भोग में विघ्न करे, बाधा करे, बाधा डाले, उसका नाम है अंतराय कर्म। अंतराय माने विघ्न डालना। काहे में विघ्न डालता है? जीव के दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर। जैसे उदाहरण के लिए दान अंतराय कर्म के उदय से दान देना चाहे दे न सके, लाभांतराय के निमित्त से वस्तु का लाभ प्राप्त करना चाहे, खूब मेहनत भी करे लेकिन लाभ नहीं, सुबह शाम तक दुकान पर बैठा रहे, सबको अच्छे से खुश करे लेकिन लाभ नहीं हो, क्या सब रोज ग्राहकों को अपन खूब पटाने की कोशिश करता रहे लेकिन लाभ एक रुपये का नहीं। तो लाभांतराय का तीर उदय, सब काम करते हुए भी लाभ नहीं होता। भोगांतराय, भोग में अंतराय आता है, खाना खाने बैठ गए, जैसे ही बैठे फोन आ गया, फलाना व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आ जाओ, अस्पताल में भर्ती करना है, खाने का ग्रास कहीं कहीं ले जाते, यहाँ तक नहीं जाओ। उपभोग अंतराय, वस्तु को उपभोग और भोग में क्या अंतर है मालूम है? भोगांतराय और उपभोगांतराय दो कर्म। भोग किसे कहते हैं? और उपभोग भोग माने जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, जो बार बार भोगा जाए वो भोग है। जैसे भोजन भोग है कि उपभोग? उपभोग है, बार बार भोगते हो। जो जो भोजन आज कर लिया वो तो गया ना, तो नया भोग हो गया। लेकिन जो कपड़े आज पहने वही कोई कपड़े कल पहनोगे कि नहीं? धुल जाएंगे फिर पहनोगे कि? मकान वही है और भोजन भोग है, पानी, भोजन है कि नहीं, ये सब भोग है। कुछ भी सुगंधित पदार्थ, तेल, गाड़ी का पेट्रोल भोग है, और गाड़ी भोग है, वस्त्र, आभूषण, मकान, स्त्री, ये सब भोग है। तो बार बार भोगने में आए भोग, एक बार भोगने में आए वो भोग। भोग में अंतराय डाले भोगांतराय करें, उपभोग में विघ्न डाले उपभोगांतराय। फिर जीव की शक्ति को प्रकट न होने, जीव की अद्भुत शक्ति, ज्ञान, दर्शन, सुख, उस ज्ञान, दर्शन, सुख को प्रकट न होने दे। जैसे ज्ञान को प्रकट करना चाहे और प्रकट न कर पाए, पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ने में कुछ ना कुछ अंतराय आ जाए, अपनी शक्ति को प्रकट न होने दे, तो फिर भी अंतराय कर प्रकार। ऐसे पांच प्रकार के अंतराय कर। दानांतराय के लिए उदाहरण आता है, ऐसे भंडारी है, आदमी दान देना चाहे भंडारी देने नहीं दे, साहब अभी अपने पास में पैसा नहीं है, अपने पास में अभी कैश नहीं, अभी मत दो, देना चाहता है, अंदर भी है पैसा, अकाउंटेंट मना करता है, कैश नहीं है, नहीं दे पाता। ऐसे दानांतराय माने दान का तो भाव है लेकिन दान नहीं दे पाता, दान देने का तो भाव है, कर दूँ वो कर दे, लेकिन परिणमन कुछ नहीं होता उसको, भावना तो खूब होती है लेकिन दिया एक रुपया नहीं जाता, बातों ही बातों में ले जाता। दानांतराय का उदय
भोगांतराय का, लाभांतराय का, उपभोगांतराय का, बीजांतराय का, इस प्रकार से पांच प्रकार के अंतराय का। अब इसमें क्या है, इनका क्षयोक्षम जीव को सदा बना रहता है। क्षयोक्षम माने इनका आंशिक विकास, ये पूरी तरह से इस शक्ति का घात भी नहीं होता और पूरा का पूरा इन शक्तियों का विकास भी नहीं होता, आंशिक विकास जीव को सदाकाल बना रहता है। माने जीव की कुछ न कुछ शक्ति दान, कुछ न कुछ ज्ञान दर्शन की शक्ति, कुछ दान लाभ भोग भोग की कुछ शक्ति सदाकाल बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि सदाकाल इन शक्तियों का अभाव नहीं होता, कुछ न कुछ तो बना ही रहता है इन शक्तियों का कुछ न कुछ अंश। और सदा और जो है संसार अवस्था में इन शक्तियों का पूर्ण विकास भी नहीं होता, विकास हो जाए तो अनंत दान लाभ भोग भोगी रूप शक्ति प्रकट हो जाए, पूर्ण शक्ति भी प्रकट नहीं होती और पूरी शक्ति का अभाव भी नहीं होता, आंशिक विकास सदाकाल बना रहता है संसार अवस्था। फल पड़ता है दान लाभ भोग, अब वास्तव में अपनी आत्मा में लगता है सब, अपनी आत्मा की शक्तियां प्रकट होना, अपने आप को घातिया नहीं, ये घातिया है। क्या घातिया में डला हुआ है? घातिया में कैसे लिख देंगे, इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती, घाती ही हो तो पक्के में। ठीक है ना, सन मैन। अच्छा सिद्ध अपने ही भक्त, ये तो पर के भोग से आपको समझाया, लेकिन भोग और उपभोग सिद्धों में कैसे लगेगा? अपने ही गुणों का भोग और अपने गुणों का बार बार भोग, और अपने आप को शुद्ध पर्याय का दान और शुद्ध पर्याय का लाभ, अपने शुद्धता का लाभ प्रति पर्याय प्रत्येक अवस्था में करना, अपने आप को शुद्धता का दान देना, प्रत्येक पर्याय में ज्ञान दर्शन सुखी का भोग करना, बारंबार भोग करना, अपनी शक्ति प्रकट होना, इस तरह से लगेगा। कभी सिद्ध भगवान की पूजा की हो तो उसमें आती है ये सब बातें कि उनका कैसा, सिद्धों के गुण कैसे होते हैं, अनंत दान लाभ भोग भोग वीर कैसे होते हैं। वो कोई वहाँ बैठ के दान तो ही दे रहे हैं, समोषण में बैठ के अक्षय भंडार की वो किमिच्छिक दान जो आए वो उसको मिलेगा, वो वहाँ फिर भी लग सकता है कि दिव्यध्वनि का दान दे रहे हैं, हम धर्मोपदेश का दान दे रहे हैं, लेकिन सिद्धों में काय का दान रहे। अपने को अपना दान देना, अपने को अपनी शुद्ध पर्याय देना, अपने में शुद्ध पर्याय प्रकट करना ही वास्तविक दान है, समझ में आया ना? और दान कुछ नहीं, मतलब ये तो बाहर में तुमने लगाया है, बाहर से समझाया है, लेकिन वास्तव में सब अपने में ही घटित होता है, क्योंकि आत्मा के गुणों का घात करते हैं, और आत्मा के गुणों का घात नहीं होना, आत्मा को अपने गुणों की निरंतरता होना, प्राप्ति होना, ये अंतरायकरण के छह से होगा। तो अंतरायकरण का छह होगा तो आत्मा में अपने गुणों की प्राप्ति होगी, उससे पर का कुछ लाभ और फल को दान देने का संबंध नहीं है, समझाने के लिए होते स्थूल। आई समझ में? नहीं आई? सिद्ध भगवान की है अंतराय में भी अपने ही गुणों का भोग नहीं कर पा रहे, अपने ही भोग नहीं कर पा रहे, अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे, क्या अपना शुद्ध स्वभाव का लाभ अपने को नहीं हो रहा है, ये अंतराय करते हो तो इससे ऐसा। और इसका छायोक्षमी विकास माने आंशिक विकास जीव को सदा बना रहता, कुछ न कुछ ज्ञान दर्शन की शक्ति है, पूर्ण विकास नहीं होता और पूरी तरह से इसका अभाव भी नहीं होता। ठीक है, अब देखो और अपन आगे करेंगे तब और समझ लेना, अभी हो यदि पूजा की किताब है, पूजा पढ़ना आप सिद्ध भगवान की, उसमें से और क्लियर हो जाएगा। ध्यानत राय जी की सिद्ध भगवान की पूजा है बड़ी वाली, आठ कर्मों के अलग अलग दोहे हैं, आठों कर्मों की अलग अलग जयमाला है, करी कभी किसी ने सिद्ध पूजा? ध्यानत राय जी उसमें है कि नहीं, क्या बता? वो तो बहुत जो करते होंगे उनके मालूम है कि वो, बाकी वो जनरल पूजा नहीं है वो,
जनरल तो जो चलती है देव शास गुरु नमन करी भी से तीर्थंकर ध्यान है, क्योंकि वो समुच्चय है ना, उसमें तीन तीन एक साथ में पड़ जाती है। देव शास गुरु ही देव शास गुरु भी तीर्थंकर प्रसिद्ध हो गया। पहले तीन अलग अलग पूजा थी, देव की अलग थी, शास की अलग थी, गुरु की अलग थी। बनाने वाले ने कहा कि ये चलेगी नहीं, इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसमें नहीं है वो, चलो छोड़ो उसको, आगे पढ़ते हैं। वेदनी कर्म, जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो, साता और असाता रूप आकुलता हो, साता में भी आकुलता है, असाता में भी आकुलता है, साता में भी आकुलता है, संसार से वो आकुलता रूप है, क्या कोई निराकुलता नहीं है उसमें? निराकुलता तो अतीन्द्रिय आनंद सुख में है, सांसारिक सुख से आकुलता रूप, इसलिए साता भी आकुलता रूप है और असाता तो आकुलता रूप है ही। साता में सुख का आभास होता है, सुख नहीं होता, क्या है ये दुख के ही बेटे सब। आकुलता तो है, साता का उदय भी है तो आकुलता नहीं है, साता का उदय सदाकाल बना रहे इसकी आकुलता, वस्तु का संयोग मिट नहीं जाए, वस्तु का संयोग बना रहे और अधिक वस्तु का संयोग हो और वस्तु अपने अधीन रहे, ये सब आकुलता बनी रहती है। तो सांसारिक सुख आकुलता से ही है, उसमें उसकी ही निश दिन करी चाह कैसे विता संसार का, आकुलता मय संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख, उसकी ही निश दिन करी आस कैसे मिटता संसार पर, बहु दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। तो उसके आगे की बात है ये, आकुलता में संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख, और उसकी ही निश दिन रात दिन करी आस कैसे मिटता संसार पास, जो दुख रूप है उसको हम सुख का कारण मान के उसकी आशा करते, हम ज्यादा ज्यादा क्या इच्छाएं करते हैं मालूम, असाता का उदय दे, साता का उदय दे, कोई असाता नहीं आया, असाता नहीं आया, जबकि साता असाता की भीख मांगना, उदय की भीख मांगना मैंने अपने स्वभाव से दूर होना है, मैंने तुम अपने स्वभाव को ना भोग के पड़ते रहो कि दिव्य सामग्री भोगने चाहते हो, कर्मों से अपनी भीख मांग रहे हो कि ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो कहते हैं कि तुम अपनी चीज को भोगना सीखो ना, कर्मों की दिव्य भिक्षा ही क्यों मांगते हो, सामग्री से क्यों अपने सुख की भीख मांगते हो, सामग्री में सुख है कहाँ, अपनी वस्तु को भोगो, अपने ज्ञान दर्शन सुख को भोगने ही अपना वास्तविक भोग है, सामग्री में सुख दुख की कल्पना तो अपन ही करते, सामग्री कोई सुखी तो कर नहीं देती, सामग्री मिलती है उसमें अपनी मान लेते सुखी हो गए, और सामग्री नहीं मिली दुखी हो गए, किसी सामग्री में इसकी कल्पना, किसी में इसकी कल्पना, सामग्री तो सामग्री है, सुख दुख रूप कल्पना अपन करते हैं तो वो कल्पना ही झूठी है, अपन सब पढ़ा है सब, इसलिए साता और असाता भी निश्चय से दुखी है, आकुलता रूप ही है, दोनों ही आकुलता रूप, असाता तो है ही और साता भी आकुलता ही है, एक रोग की बीमारी का इलाज जैसा सुख लगता है और एक में बीमारी में इलाज नहीं मिलता, लेकिन है दोनों बीमारी, असाता में बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा है मतलब दवाई नहीं मिल रही है, और साता में बीमारी की दवाई मिल रही है लेकिन रोग दोनों से दूर नहीं हो रहा है, रोग दोनों में बना हुआ है, एक में कुछ समय के लिए शांति से आभास होता है लेकिन रोग मूल से जाता है, मूल अवस्था तो निरोग अवस्था है, वो सुख रूप है। तो इसलिए वेदनी का काम तो जीव को आकुलता उत्पन्न कराना है, साता रूप और असाता रूप, साता के उदय में क्या होता है, सुख रूप सामग्री का संयोग होता है, सुख रूप अनुकूल जो लगता है अपने, एक्चुअल में कोई चीज सुख रूप नहीं है, अपने को जो सुख रूप लगे तो साता का उदय, मैंने आप ये नहीं कह सकते कि साता के उदय से ये चीज मिलती है, ये कह सकते हैं कि साता के उदय से हमें अनुकूलता अनुभूत होती है, और जिसको अनुकूलता अनुभूत होनी होगी वो झोपड़ी से भी अनुकूलता अनुभूत कर सकता है, जिसको प्रतिकूलता अनुभूत होगी तो वो हवेली में भी प्रतिकूलता अनुभूत कर सकता है। साता असाता से ये निकालना कि साता से पैसा मिलता है और असाता से गरीब मिलती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अनुभव में क्या करते हो अपने, उससे साता और असाता के उदय का संबंध है, आपके अनुभव में यदि दुख है असाता का ही उदय है, आपके अनुभव में मंद आकुलता है, आकुलता है मतलब
अनुकूलता रूप अनुभवन है तो आपके साथ आ गए सामग्री क्या करेगी, एक ही मकान में दिन भर बैठे रहते हैं और अंतर मुहूर्त में साता का उदय निरंतर बदलते ही, ऐसा सिद्धांत का नियम तो हर अंतर मुहूर्त में बदल रहा, तुम वहीं क्यों ही बैठे हो, तो सामग्री क्या बदली, तुम्हारे परिणाम में अनुभूति में बदला है, अनुभूति में बदला है, कभी वही चीज़ अनुकूल लग रही है, कभी वही चीज़ प्रतिकूल लग रही है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल चलता रहता है, बुद्धि में चलता रहता है, जिंदगी में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी बहुत अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, कभी संसार एकदम दुख रूप लगता है चारों ओर, और कहीं लगता है चारों ओर अच्छी अच्छा है, तो ये सब जीव की अनुभूति के अंदर है, वस्तु तो जो है सो है, संसार तो जो है सो है, वही संसार वैसा का वैसे ही रहता है, लेकिन अपनी अपनी मान्यताओं में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं मानता वो दिखता है तो अपने को एकदम बड़ा दुख लगने लगता है, अपन ने किसी का अच्छे से पालन पोषण किया हो पर तो बात नहीं माने तो अपने को कैसे लगता है, अरे भैया संसार में कुछ नहीं है, और कोई अपना जो मित्र भी नहीं हो अपन ने जिसका कुछ नहीं किया हो पर वो भी अपना कोई उपकार कर दे तो सोचते हो संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो इसलिए ये जीव की सब अनुभूति पे है, कोई वस्तु कुछ नहीं करती, दो ही बेटे हैं इसके साता और असाता, दुख रूप अनुभव असाता है, सुख रूप अनुभव साता है, अनु ये ठीक है। अब आगे आयु कर्म, आयु कर्म का क्या काम है, साता और असाता का उदाहरण क्या है मालूम है, शहद लपेटी तलवार, शहद लपेटी तलवार को चाटता आदमी, शहद एक तो गंदी चीज तो उसको चाट रहा है, अब चाटने में सुख मिल जाएगी दुख, शहद लपेटी तलवार को चाटने में सुख मिलता है, सुख लगता है लेकिन सुख है कि दुख है, जीवान कट जाती है, खूनम खून हो जाता है, तो ऐसे ही साता के उदय में अपने स्वभाव का घात होता है, आंशिक सुख वो भी गंदा और महादुख ऐसा है, इसलिए उदाहरण दिया शहद लिपटी तलवार चाटने के समान साता और असाता वेदनी है। शहद किसको कहते मालूम ना, मधुमक्खियों का मलमूत्र, उसको चाट रहे हैं उसमें जीवान कट रही है मजा आ रहा है, ऐसा सुख है, ऐसी इनके उदाहरण दिया था ना, मोहिनी कर्म का क्या उदाहरण दिया था, शराब पिया हुआ व्यक्ति, जैसे शराब पी के व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसे मोहिनी कर्म के उदय में जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया, पर्दा, भगवान की मूर्ति पे पर्दा, और दर्शनावरण के लिए ज्ञानावरण का है भगवान की मूर्ति पे पर्दा, दर्शनावरण का अलग है, पहरेदार है दर्शनावरण के लिए, मूर्ति पे डाला कपड़ा ज्ञानावरण के लिए, और दरबान जो है जो राजा के दर्शन नहीं होने देता वो दर्शनावरण के लिए, क्योंकि राजा राजा का सामान्य अवलोकन भी नहीं हो रहा है कि राजा ये भी कि नहीं है, जो सामान्य अवलोकन भी नहीं होने देता दर्शनावरणी, दरबान राजा को राजा का बिल्कुल भी अवलोकन नहीं होने देता, राजा का सामान्य भी अपने को भान नहीं है कि ये अंदर की नहीं है, कुछ नहीं पता जाने नहीं दिया अंदर उसने, और ज्ञानावरणी मैंने मूर्ति पर रखा हुआ पर्दा, तो ये तो ज्ञान में आता है कि ये मूर्ति है लेकिन कैसी ये नहीं भाषित होता, ऐसे जिसके कारण विशेष ज्ञान नहीं होता जानना विशेष नहीं होता उसका नाम ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण सामान्य अवलोकन का घात नहीं करता विशेष का घात करता है, विशेष मतलब वो उसके भेद प्रभेद सहित कैसा है किस तरह का है उसकी मूर्ति का रूप कैसा है उसके नाग नक्शे वगैरह कैसे हैं, तो वो सामान्य अवलोकन तो हुआ लेकिन विशेष जानना नहीं हुआ, इसलिए कपड़े पे तो मूर्ति पे रखा हुआ कपड़ा वो ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण है, और दरबान जो है तो राजा के दर्शन नहीं होने देता वो दर्शनावरणी कर्म का उदाहरण,
अंतराय कर्म का उदाहरण क्या वेदनी का उदाहरण है, सहज लपेटी तलवार, खजानची जो दाम नहीं देने देता वो अंतराय कर्म का उदाहरण है। जैसे पांच हो गए अपने घर, अब तीन और बचे हैं, कौन कौन से? आयु नाम गोत्र। देखो भाई, जो कर्म आत्मा को नारक त्रियंच मनुष्य और देव के शरीर में उकेरे, गलत लिखा है इसमें, सही कर लेना, गलत लिखा सही कर लेना, उसका गलत लिख दिया उसमें, क्योंकि वो कह रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा कि कहाँ लिखा है ये, छह नंबर पेज पे। अच्छा, ये गलत लिखा है, ये बिल्कुल गलत लिखा है, इसको उल्टा कर लेना भैया, हाँ गलती हो जाती है, उसको ऊपर नीचे हो गया। मैंने छह नंबर पेज पे जो उदाहरण दिया ना ज्ञानवरण का, वो दर्शनावरण का है, और जो दर्शनावरण पे उदाहरण दिया वो ज्ञानवरण का, उसको ठीक कर लेना। आयु कर्म जो आत्मा को नरक तिर्य मनुष्य देव के शरीर में रोके रखे, जब तक आयु है तब तक वो जीव शरीर को छोड़ के नहीं जा सकता, कुछ भी कर ले, ऊपर से कूद जाए मरेगा नहीं, आत्महत्या करने के लिए कुछ भी करे, वो जहर खा ले बढ़ जाए, केस और चलेगा उसका, अब तो बंद हो गया शायद, डबल काम, मरे मरे क्यों नहीं उसकी सजा। तो वो शरीर में रोके रखता है, आयु कर्म उसको जीव उसको जाने देता, मतलब आयु कर्म जब तक है जीव का तब तक ये जीव शरीर में रुका रहेगा, ऐसा काम है। जैसे खाड़ा होता है लकड़ी का, उसमें आदमी का पाँव फंस जाता है, तो आदमी उस फिर पाँव फंस गया एक बार उसका, तो भाग नहीं सकता उससे, वो वहीं का खड़ा रहता है, खाड़ा होता है पहले गड्ढा बना देते, जैसे खाड़ा उसमें आदमी का पाँव फंसाए देते और उससे पाँव फंसा के उसको बांध के रखते थे, फिर वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। गायों को बांध देते हैं कई बार, लकड़ी के आते हैं इनके यंत्र बांध देते हैं, गाय कहीं नहीं भाग सकती, वहीं कहीं बैठी रहती बेचारी। ऐसे ही ये इसको शरीर में रोके रखता है, आदमी चाहे शरीर को छोड़ के नहीं चले जाऊँ, जब तक आयु का उदय तब तक नहीं जाएगा, यहीं बैठो, और जब आयु का उदय क्षय हो जाएगा तब कोई रोक नहीं सकता। क्या मतलब, उसको कोई समर्थ नहीं है, आयु पूरी होने पर उसको रखने के लिए कोई शरण नहीं है, और आयु जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक उसको कोई निकालने में भी शरण नहीं है, कोई निकाल ही नहीं सकता। मैंने जब तक हमारे पास में ये ऐसी है कि जैसे गवर्नमेंट की जॉब 60 साल तक कोई निकालेगा नहीं, और 60 साल बाद एक दिन तू ले नहीं सकता, क्या जिस दिन रिटायर होगा उसी दिन, और आदमी क्या बेईमान है, बहुत मतलब 60 की तक तो ठीक है, 60 तक की तो सिक्योरिटी हुई, लेकिन 2 साल और एक्सटेंड हो जाए, 2 साल एक्सटेंड 3 और हो जाए, 63 तक भी हो जाए, 63 होने का नहीं, अब कोई और कुछ हो जाए तो वो जाने नहीं चाहता ना, 70 उसका बस चल रहे थे तो वहीं मरे वहीं पे बैठे बैठे। बेईमान है ना वो, उसको कह दिया इतनी तेरे को इतनी गारंटी दे रहे हैं ना 60 साल की, नहीं नहीं ये एक कदम आगे बढ़ता है। ऐसे जैसे अपनी ये जो आयु कर्म है तो वो गारंटी देता जी, कई गारंटी जीने की गारंटी, जैसे अपन बोलते हैं ना राजा राणा छत्रपति, तो इसका भी लोग क्या अर्थ निकालते, देखो राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार मरना सबको अपनी अपनी, तब ऐसे मरना सबको एक दिन, ऐसे सुनते ही सुनते एकदम पढ़ते पढ़ते एकदम बड़ा भयंकर दुख लग जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इन कहता हूँ कि इसके आगे की पंक्ति भी तो पढ़ो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तुम्हारी बारी आएगी तभी मरोगे, उसके पहले नहीं मरोगे, तो तुमको जिंदगी की गारंटी दे रहा है, तुम इस वजह से मरण निकाल रहे हो, ये तो ये बात कह रहा है कि जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी ना तब तक तुमको कोई मार नहीं सकता, कि नहीं वो तो हमको भी मालूम है जब तक हमारी बारी नहीं आएगी तब तक, हम तो ये कह रहे हैं हमारी बारी आ जाए तब भी हम नहीं मरेंगे, कि नहीं तब तो मरना पड़ेगा, अब बेईमानी नहीं चलेगी, जब अपनी बारी आएगी तब तो जानी पड़ेगा ना, तो बारी आने पे भी नहीं जाओगे तो क्या होएगा, भीड़ लग जाएगी,
संसार में समाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कितनी पहले ही तो पॉपुलेशन कम नहीं अपने आप, और जो लोग मतलब थोड़ी सी मृत्यु दर कम हुई उसमें तो भीड़ बढ़ गई, और अभी मृत्यु दर जीरो ही कर दें, इनको जाने ही नहीं होगी, जीरो कर देंगे तो क्या होगा, सब बुजुर्ग तो रहेंगे, नए नए आते रहेंगे, तो क्या होगा, क्या संसार में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। किसान हम नए लोगों को आने से बंद कर, नो एंट्री फॉर न्यू कमर्स। मैंने कहा ऐसा 20-25 साल तक करोगे ना तुम, तो उसके बाद इस सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। सृष्टि मतलब जिस जगह तुम रह रहे हो वहाँ कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, क्यों ना 40-50 साल बाद 50 साल तक तुमने नियम लागू कर दिया, कोई नहीं करेगा ना, खत्म। 50 साल बाद कोई पुत्र उत्पन्न करने लायक ही नहीं है, तो क्या होगा, सर्वनाश होगा कि नहीं, सर्वनाश तो ही नहीं होगा, नहीं तो होंगे ही नहीं, तो जो है वही के वही रहेंगे, तो वही के वही रहेंगे तो सारे बुजुर्गों की नगरी हो जाएगी, सब बुजुर्ग मिलेंगे फिर, और वो वही कोई बात है, अपने जमाने में ऐसा होता। तो इसलिए ये संसार का जो नियम है वो बहुत व्यवस्थित है, तुम जाओगे तो नए आदमी को आने की जगह मिलेगी, और तुम नहीं जाओगे तो जगह किसने, और तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसा सोच लिया होता है कि नहीं अब कोई नया नहीं आएगा, जाओ कैसे हो, तुम ही कहाँ से आते हैं, तुम आए इसलिए क्योंकि पहले लोगों ने अपनी सीट छोड़ी है, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी तुम भी छोड़ो, तुम ही क्यों चाहते हो कि नहीं मेरी आ भी जाए तो मैं नहीं जाऊँ, ऐसा संभव ही नहीं। जब जागी बारी आएगी तो तब वो जीव जाएगा वो जाएगा, उसके जाने में भला है, वो नहीं जाएगा तो लोगों ने उसको पूछा आएंगे। उसका जाने में भला है, इसलिए बहुत व्यवस्थित विधि है ये सब, कर्म के उदय से सब काम चलता है। आपको मिले जितने दिन रहने के लिए रहो आराम से, इसमें आपको इतनी भी आकुलता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा क्या होएगा, आजकल सब डॉक्टर भी बेकार हो गए, खूब लूटपाट मची हुई है हिंदुस्तान में, सभी बर्बाद है, क्या हो गया है, ये कुछ नहीं होगा, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है जबरदस्ती, असली चीज कर्म का उदय है, यहाँ 100 करोड़ लोग जी रहे हैं यहाँ पे, क्या असली कर्म सबका उदय है, क्या जो अपनी जितनी आयु लिखा के लाया उसके पहले कोई नहीं मार सकेगा, जिसकी आयु का उदय नहीं है कहीं भी मर जाएगा उसका क्या है, इसलिए ये भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तेरा सब ठिकाना तेरा सब ध्यान रखने वाले कर्म है, तो पूर्व भाव में बहुत सारी कमाई करके आया है तो कमाई तू खा आराम से, इसलिए अभी चिंता मत कर, हाँ चिंता करनी तो अगली की कर ले, लेकिन अभी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या कुछ नहीं, तो निश्चिंत रहने का धर्म है ये, आयु कर्म अपना आयु का निर्धारण करता है, हम इस भाव में अपनी आयु कुछ भी बदल देर पार कर नहीं सकते, जो बांध के आए कि भोगेंगे आराम से, कोई चिंता नहीं, चाहे सब डॉक्टर अपने कुछ भी करें चाहे कोई कुछ भी करे, क्या जिसकी आयु है जो आयु कर्म का उदय है ना, मूल कारण तो वो है, देखो जैसे आयु कर्म का जैसा जिसका संयोग नहीं रहता है तो उसको वैसे ही नहीं मिलते, चले जाता है, जाता है आयु के क्षय से, लगता क्या अपने को ये हुआ वो हुआ ये हुआ ये हुआ फलाना दिखा, ऐसे सोचे ना आदमी निमित्त की अपेक्षा से, तो मैं कहता हूँ आदमी आकुलित और टेंशन में जी बिना रह नहीं सकता, मेरे निमित्तों की अपेक्षा से, अरे उसका इससे ऐसा हो गया, उसका इससे ऐसा हो गया, उसका इससे ऐसा हो गया, अपना भी कभी किससे ऐसा हो जाए, तो अब मूल उपादान तो देखते ही नहीं, उपादान तो जीव की शक्ति, और भी कुछ देखो निमित्त कारण भी, तो वो कर्म का उदय, तो न तो निमित्त जानता है ना उपादान जानता है, बस बाहरी संयोगों को देखता रहता है, उनको ठीक करता है करता रहता है पूरे दिन भर, ये ठीक करो ये भी ठीक करो, कुछ नहीं है इन सब के ठीक करने से, तेरे को जिंदगी मिली है तेरे करने से मिली है, क्या ठीक किया था तुमने इसको करने के लिए, इस जिंदगी को ठीक करने के लिए अपने क्या, ये जिंदगी प्राप्त करने के लिए क्या किया बताओ, अपना ये शरीर बनाने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए, अपने माता पिता बनाने क्या किया, कुछ नहीं किया, सब ऑटोमेटिक मिला, तो ये जो आयु है ये तो इसके आधार पे है, हम क्या कर सकते हैं, रोज सुबह सुबह दौड़ने जाए कोई कोई ठोक दे पीछे, अरे मैं तो सच में एक उदाहरण देखा
क्या सुबह सुबह ट्रक थे और ट्रक तो सुबह सुबह बिल्कुल पूरी स्पीड में दौड़ते हैं, और वो दौड़ने के बाद हायर हाईवे पे दौड़ रहा था, ठोक दिया क्या कह रहे आयु कर्म कर, तो अपनी जिंदगी के लिए जाता था रोज सुबह और वो मरने के लिए। अभी 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 की घटना है, एक भाई जो है उसकी कमजोरी थी तो उसने कमजोरी के अंदर वो अस्पताल चली, अस्पताल डॉक्टर से कहा उसने तो मेरे को एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई और मर, जो शुगर थी उसको वो चली गई अकेली बिना कुछ सोचे समझे, और डॉक्टर ने भी चढ़ा दी उसको। सच्ची घटना है, अब कहाँ की इवन दिमाग लगाना। क्या जिसकी जैसी आयु पूरी हो जाती है तो उसको कोई ना कोई निमित्त कारण ऐसे ही मिलता है। बोलो, वो गई थी जिंदगी के लिए और मौत आ गई, बुद्धि नहीं चली इतनी सी, बोलो कि शुगर है तो ग्लूकोज चढ़ी जाती है। तो इसलिए इस जीव का क्या है, अपनी बुद्धि आप कितनी अपने दिमाग लगाते रहो, आपके दिमाग से कुछ नहीं होता संसार, दिमाग लगाना हो तो अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहिए, बाकी दुनिया की चीजें अपने हाथ में क्या क्या, अपन ने जो बांधा है अपने भाव से जो कर्म, उन कर्मों के उदय को हम भोग रहे हैं, हर जीव अपने उदय को भोग रहा है, कुछ नहीं करता, सोचते क्या है, होता क्या है, करते क्या है, कर कुछ और ही होता क्या, क्योंकि प्रकृति के आदमी की सोच से दुनिया चले तो मैं तो कहता हूँ कि संसार कोई दुखी नहीं रहे, कोई अपने आप को दुखी रखना चाहता है, कोई निर्धन रखना चाहता है, कोई अपने आप को रोगी देखना चाहता है, अरे कोई मरना ही नहीं चाहता, यहाँ तो सब ऐसे हैं, भले कितनी हालत खराब हो मरना नहीं चाहता जी। तो इसलिए ये संसार में चलती किसी की नहीं है, चले तो दुखी दुख हो जाए यहाँ से, सब अस्पताल बंद हो जाए, क्यों सबके अपने में चलने लग जाए, सबको बीमार पड़े। इसलिए ये आयु कर्म का एक काम है, नरक तिरंज मनुष्य देव के शरीर में रोक रखता है, इसके चार भेद हैं, तो चार ही आयु है, नरक आयु, तिरंज आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, और ये आयु बनती है एक्चुअल में, आयु जो बन जाती है ना, जैसे अगले भाव की आयु चेंज नहीं होती कभी, एक बार आपने अगले भाव की आयु जो बांध ली, समझ लो आपने तिरंज आयु बांध ली, तो वो आयु तो नहीं बदलेगी अब, हाँ उस आयु की स्थिति में कम बढ़ हो सकती है, कब तक, जब तक अगली आयु भोगना चालू नहीं हुई है तब तक, बाकी वो आयु चेंज नहीं होती, आयु में संक्रमण नहीं होता, और आयु एक ही भाव की बनती है, मल्टीपल भाव की नहीं बनती, अनेक भाव की आयु नहीं बनती, इस भाव में हम अधिक से अधिक अगले भाव की आयु बांध सकते हैं, बस अगले भाव की आयु बांध ली, उस भाव में चले जाएंगे, फिर उस भाव में जैसे परिणाम करेंगे उससे फिर उसके अगले की बंधेगी, ऐसा हिसाब किताब। ज्ञानावरण की स्थिति तो बहुत लंबी रहती है, मोहनी की भी लंबी रहती है, कोड़ा कोड़ी सागर तक वो तो भोगते ही रहेगा आगे तक, लेकिन आयु में ऐसा है कि बस एक भाव की भोगो आप अगले वाले की, उसके बाद वो आयु खत्म, फिर अगले की बांधना अगले में होगी, गति नाम कर्म की रचना, गति तो हर अंतर, गति हर समय बनती है, गति तो निरंतर बनती है और आयु कभी कभी बनती है, गति तो चालू बनती है अपने को एक ही भाव में, लेकिन गति से कुछ नहीं होता, गति पड़ी रहती है स्टॉक में, जो आयु का उदय होता है उस आयु के अनुसार गति नाम कर्म का उदय होता है, बाकी गतियां स्टॉक में पड़ी रहती है, फिर जब जब उस आयु का उदय आएगा तब तक वो गति का उदय आएगा, और कभी त्रियंश में चला गया तो वो उसकी देव आयु नरक आयु का संक्रमण, देव गति और नरक गति का संक्रमण होके त्रियंश रूप हो जाती है, गति तो गति में कोई दम ही नहीं, जो दम है वो आयु में, आयु है आयु, हाँ हाँ है ना, ये बिल्कुल है, सही है बात, बताता हूँ वो तो एकदम सही है, इसलिए जितने भी 60 साल जिनको लग रहा हो कि अपन 60 साल ही जियेंगे उन सबको अलर्ट हो जाना, 40 हो गई हो तो ऐसा लगता हो कि 80-85 जियेंगे तो ठीक है, अभी देर है, अभी देर आराम से लो थोड़ा, हाँ भरोसा तो कुछ का भी नहीं, लेकिन लोगों को बहुत भरोसा लगता है सबको, भरोसा तो हर आदमी को ऐसा है कि मैं 100 साल जीऊँगा, मैं 80-90 जीऊँगा, मेरे को कुछ रोग नहीं है,
भरोसा वैसे तो क्षण भर का भी नहीं है, लेकिन चिंता है तो पूरी दुनिया जिंदगी भर की है। कितनी चिंता है, यदि अपने को विश्वास हो जाए कि अपना एक क्षण का ही भरोसा नहीं है तो अपन क्या काम करें। इस संसार की चिंता ही नहीं करें कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं क्या सुन रहा है, कुछ नहीं। लेकिन अपने को अगले इस भाव की बहुत चिंताएं हैं 10-20-25 सालों की, और उसी से अपने को इतनी आकुलता है। अपन उसके मारे चिंताओं से ही आधे मर जाते हैं, मरते तो मरते हैं लेकिन अपन अपनी चिंता अपने अपने जिंदगी रहे अपनी इस चिंता से मर रहे हैं, जीने की चिंता ही मार डाल रही है। तो आयु और गति में अंतर है, अभी गति आएगी आगे, गति बिल्कुल अलग ही चैप्टर है। गति का तो काम ऐसा है, गति तो नामकरण की रचना है, और आयु आयु कर्म का है। आयु हाँ, ये कैसे पता चलता, देखो इसका क्या हिसाब किताब है। मनुष्यों और त्रियंचों में, कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंचों में हर जिंदगी के 2/3 बीतने पर आयु का बंद होने का काल आता है। उस समय में आयु बंद हो तो हो, और उस समय नहीं हो तो बचे कुचे जो बचे हैं उसके 2/3 बीतने पर फिर आयु बंद का काल आएगा। उस समय भी नहीं हो तो फिर जो बचा है उसका 2/3 बीतने पर फिर आयु बंद का काल आएगा। उस पर भी नहीं हो तो फिर जो बच्चा है उसके 2/3 बीतने पर, ऐसे करते करते 8 अपकर्ष काल आते हैं। उन 8 अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधे तो मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले आयु नियम से बनती है। ये तो नहीं, मैंने परिणाम होने चाहिए, क्या होता है मध्यम परिणामों से आयु बनती है। आयु बंधने के योग्य परिणाम फिक्स है, वो परिणाम उस समय होंगे तो ही बंधेगी, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तीव्र कषाय होगी तो नहीं बनते, मंद कषाय होगी नहीं बनते, मध्यम कषाय के परिणाम बनते, वो जाति का परिणाम होना चाहिए। जो आयु बंध के योग के परिणाम होते हैं उन्हीं से आयु बनती है, और योग के परिणाम उस अपकर्ष काल में हो जाते हैं तो आयु बन जाती है, नहीं होते तो नहीं बनती। तो 8 में वेट होता है, 8 में नहीं बंधी तो वो अंतिम अपकर्ष काल में तो जो भी परिणाम से बंधेगी बंधेगी, उस काल में उसके आयु बंध के योग परिणाम हो जाएंगे। नहीं मतलब जैसे जब आयु बन गई उससे बन थर्ड ही जिएगा, देखो कैसे, जैसे अभी समझ लो आयु किसी की 2100 का 3 गुना करो कितना आएगा, 2187 वर्ष की क्या आयु कितनी, 2187। अब 2187 में से 2/3 बिताओ, 2/3 बीतेंगे कितने बचेंगे, 1458 और क्या, 1458। अच्छा 100 साल बताए, 81 में बताए, 81 बताता हूँ, 81 साल की आयु है किसी, तो 54 साल बीतने पर एक अपकर्ष काल आएगा, कितना 54 साल में, 54 साल में कोई चिंता है, 54 साल बाद पहला अपकर्ष काल, फिर 54 के बाद में एक अंतर मुहूर्त का काल आता है। जैसे 54 साल बीत गए जो एक अंतर मुहूर्त का काल है उस समय वैसे परिणाम हो आयु बंध के योग तो बन जाएगा, और नहीं हुआ तो वो टाइम गया। अब कितनी आयु बची है, 27। अब 27 का 2/3 और बीते 18, 54 तो बीत ही गए पहले, 18 और बीत गए, कितने हो गए 72। 72 के बाद आयु बन सकती है, 72 के बाद वाले अंतर मुहूर्त में भी नहीं बंधी, अब जो बचे उसका 2/3 करो माइनस, 78 के बाद आएगा, 78 में भी नहीं बंधी, 80 में भी नहीं बंधी, तो जो 1 साल के 8 महीने उसमें 80 साल 8 महीने बाद भी नहीं बंधी, 4 महीने के 120 दिन उसके 80 दिन के अंदर ऐसे 8 बार आए, और नहीं तो अंतिम मरने के अंतर मत पहले नियम से आयु बांध के चला जाए, जाएगा आयु बांध के, वो आयु बांध के नहीं जा रहा है तो निर्वाण ही हो जाएगा, मोक्ष जाएगा उसका, और मोक्ष केवल ज्ञानी होकर होता है। माने वो आयु नहीं बांध रहा है इसका मतलब ये है कि वो पहले केवल ज्ञानी हो गया है, केवल ज्ञान ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो आयु बांधेगा और फिर जाए, सीधी सी बात है।
कि वो जीव नियम से, संसारी जीव नियम से आयु बांध के ही मरता है। केवल आयु जो नहीं बांधते हैं वो केवल भगवान होते हैं, जो आयु नहीं बांधते हैं उनको केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने वाला मोक्ष, उनकी आयु बनती ही बंधी हुई नहीं होती है, तो बस जो आयु थी वो भोग ही खत्म, मोक्ष ऐसा। मैंने जो उस जीव भाव में मोक्ष नहीं जाने वाले होते हैं उनके अलावा सभी जीव मरने के पहले आयु बांध के ही जाते हैं, क्योंकि ये कोई जीव भटकता नहीं कहीं वहीं कि भटक रही आत्मा, कहाँ भटक रही है, कहीं नहीं भटकती आत्मा, कहाँ भटक, मैं तो देखी नहीं आज तक ऐसी आत्मा ही देखी है भटकती हुई आत्मा। ये सब कल्प कपोल कल्पित चीजें हैं, आत्मा आत्मा कोई भटकती नहीं, कोई अंतर अंतर देव एक अलग बात है, तो देव बन गया हो तो आत्मा तो ही भटक रही है अकेली, आत्मा तो भटकती, आत्मा तो मुक्त होकर सीधे एक जगह विराजमान हो जाती है, जीव नियम से अगली गति धारण कर लेता है, अगला शरीर प्राप्त कर लेता है। चार समय लगते हैं जीव को मरने के बाद में, चार समय में तो उसका नया शरीर बनना चालू हो जाता है, कहाँ भटके वो भटकने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, तो ये जो वो तो नई गति में चले जाता है। उसकी आत्मा भटक गई, मृत्यु हो गई, नहीं नहीं वो क्या रहता है अंतर देव रहते हैं ना, जैसे कोई मर के अंतर बन गया तो वो सब काम करता रहता है, कोई आत्मा नहीं रहती, आत्मा क्या करेगी, हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, अंतर देव का कोई कहीं अंतर देव में बहुत शक्ति होती है, देव होते विक्रिया से विक्रिया विक्रिया शरीर होता है क्या, इसलिए कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन वो कोई आत्मा अकेली नहीं है, आत्मा शरीर से ही थे वो, हाँ एक भी एक शरीर वाला दिखता नहीं, पर अभी तो आजकल आना ही बंद हो गए, कम हो गए, नहीं ये तो वास्तव में 90% तो ये सब ऐसे ही रहता है, 10% सत्य घटना होती भी हो तो ठीक है, आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ अपने कोई नहीं आता जी, मैं तो अच्छे अच्छे देखे, हमारे बहुत सारे मिलने वाले चले गए, उनकी पत्नी आ गई उनको याद करती रहती है, हर पुण्यतिथि मनाती है, उनका आज तक देखने तक नहीं आया, बेचारे दुखी हैं सब, पैसा छीन लिया, ये कर लिया, लोन ले गए, कुछ कोई याद नहीं करता किसी, कोई नहीं आया किसी का, एक कहीं देखने में आ रहा, कोई तो आए इतने सारे क्या, कहीं कोई नहीं है सब, एक बार जो जहाँ जिस पर्याय में चले जाता है वो उसी में मगर हो जाता है, सब भूल जाता है पीछे को, और ये बैठा है अभी यहाँ, अभी समझ लो कोई आ जाए मेरा हाथ पहला आग को लगेगा शरीर में प्रवेश करके, वो क्या है व्यक्तिगत शरीर भी उसी स्थान पर ले सकता है, हाँ वो क्या है कि व्यक्तिगत शरीर को बाधा नहीं पहुँचती इससे, जैसे दीवार को छेद के कारण सकते, विक्रिय शरीर अलग ही होता है, विक्रिय शरीर जो है वो विक्रियाओं से युक्त होता है, देव का शरीर अलग है, अपना शरीर अलग है, कोई बात नहीं, वो आए जाए मतलब नहीं अपने को, लेकिन इनमें कोई तथ्य नहीं है, बस अपने आत्मकल्याण की कोई सिद्धि नहीं, अपन खुद ही बन जाए कल से, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंतर व्यंतर ये तो कौतूहल करते हैं, जो उच्च जाति के देव होते हैं वैमानिक होते हैं, कुछ कौतूहल भी नहीं करने आते, ये हीन जाति के देवों का काम होता है, छोटे लोगों के पास कौन आएगा, हीन लोग, जो उच्च जाति के वैमानिक देव वो तो अपने विदेश क्षेत्र जाएंगे, भगवान के समोषण में जाएंगे, देवध्वनि सुनेंगे, ये काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इन हिंदुस्तान में कौन आए, मैंने उसकी कितनी गई भी थी उसकी वो है जो यहाँ अरे वो सब घूमते थे माथे सब क्या दिखा उसकी आती कितनी अलग, हाँ हो सकता है कुछ तो क्या है, एक्चुअल में शरीर की भी कुछ स्थिति ऐसी रहती है, हाँ कोई सब जी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, असल चीज क्या है और असल चीज़ हो तो ही मैंने कहा आश्चर्य नहीं है, लेकिन इसमें असलियत ही पहली बात बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें तो सब कपोल बने ही बनी बनाई बातें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछ लें अपन तो उससे, भैया ये आदमी चंद्रमा पर गया, लोग कह रहे हैं
क्या ये सत्य है, ये विदेह क्षेत्र जो है कहाँ है, हमको भी ले चलो भगवान के समर्षण में। तुमको सुन क्या आया, तुमको सुना दो, हम पूछ लें उससे कहाँ है, कोई मिलता ही नहीं है। बात करें तो इधर उधर की बातें होती है, सचमुच यदि वो मिले तो बहुत सारे प्रश्नों के समाधान हो सकते हैं, नहीं हो सकते कहाँ तक, तो विदेह क्षेत्र ही जाएगा और बाकी सब काम कर लेगा, जब वो इतनी तो उसकी शक्ति होगी ना, विदेह क्षेत्र बहुत दूर नहीं है, मनुष्य तो वो मनुष्य की शक्ति की बात है, देव की तो सब जगह शक्ति है, और चलो तो भी सीमित शक्ति भी हो लोग, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उससे अपन ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं और वो इतनी दूर जाना नहीं कर सके, तो वो क्या काम का है। वैसे देवों इनकी भी बात सही है कि इनकी सबकी शक्ति बहुत नहीं होती है, किसी की शक्ति कमन भी हो, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति तो मिल सकती है कुछ गमन कर ले, क्योंकि इनके अवधि ज्ञान की भी शक्ति सीमित होती है, ऐसा नहीं कि अनंत को जान ले, बहुत को जान ले, कम भी जाने, इतना कम भी जान सकते हैं कि एक दिन की भी पूरी नहीं जाने, अगले दिन की नहीं बता सके पूरी, पिछले एक दिन पूरी नहीं बता सके, क्योंकि सब तरह के होते हैं, सब तरह के इनके जीव होते हैं अपनी अपनी हीनाधिक शक्ति को लिए हुए। अब इसके बाद में नाम कर्म, ये ऐसा कर्म है जो समझना सरल है और इसकी प्रकृतियाँ को याद करना बहुत कठिन काम है। इसका काम क्या है, देखो नाम कर्म का, जीव को गति आदि नाना रूप परिणवावे, गति आदि नाना रूप परिणवा मतलब शरीर आदि बनावे, गति है, इंद्रियां है, शरीर है, अंगोपांग है, संस्थान है, संग्रहण है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, अलग अलग प्रकार की स्थितियों पर का निर्माण करता है, जैसे अपने हाथ के अंगोपांगों का रचना करना, शरीर की रचना करना, खून आदि के खून रक्त रुधिर आदि की रचना करना, सांसोच्छ्वास की रचना होना, शरीर के अवयव ठिकाने रहना, शरीर सूक्ष्म होना या बादर होना, मोटा दुबला होना, शरीर हल्का भारी होना, गोरा काला होना, सुगंधित दुर्गंधित होना, चिकना रूखा होना, शरीर जो है अच्छा लगना दूसरों को नहीं लगना, क्या शरीर के अवयव जो है स्थिर होना, शरीर कीर्ति होना नहीं कीर्ति होना, शरीर स्वर अच्छा होना, गधे जैसा स्वर होना या कोयल जैसा स्वर होना, ये सब इस कर्म के उदय के काल, बहुत लंबा चौड़ा इसका काम है, इसके 93 इसके भेद है नाम कर्म के, सबसे बड़ा जंगल इसका ही है, और ये 93 किसी मतलब ये 93 बहुत लंबा काम है उदय के, 93 भेद है इसके। देखो मैं आपको मोटे मोटे बताता हूँ, जैसे चार गति रूप, चारों गतियों में गतियों को प्राप्त कराना, पांच प्रकार की इंद्रियों को प्राप्त कराना, पांच प्रकार के शरीर होना, फिर शरीरों का बंधन होना, आपस में शरीर बंधन है ना, शरीर के परमाणु एक बंधन रूप है, अब ऐसे तो ही नहीं बिखर के अलग अलग हो जाते हैं, अपन समय तो दौड़ रहे हैं तो अपने को ये संख्या तो ही नहीं होती, क्या ऐसा तो नहीं शरीर के परमाणु बिखर बिखर गए, क्यों नहीं बिखरते हो, ऐसे इसमें छेद नहीं होता, छेद नहीं होता, जैसे बीच में भी छेद नहीं है, ऐसे दीवार के अंदर छेद कर दिया अपन इधर से आग पार देख सकते हैं, इधर पेट में छेद कर दो इधर से आग नहीं कर सकते, तो ये सब नाम कर्म के उदय से ही, नाम कर्म के शरीर से, नाम कर्म के उदय से शरीर एक बंधान रूप रहता है, छेद छिद्र छिद्र रहित शरीर होता है, और संस्थान बनता अलग अलग तरह का, संस्थान माने आकार प्रकार, किसी का हुंडक है, किसी का गोना है, कोई कुबड़ा है, कोई के कुछ ठिकाने ही नहीं है क्या है, और कोई ऊपर से लंबा है नीचे से ठिकना है, कोई नीचे से लंबा है ऊपर से ठिकना है, कोई सब कुछ बराबर है, जैसे सब तरह के आकार, कोई होता ना किसी की टांगे बहुत लंबी ऊपर ठिकना, और किसी नीचे लंबा नीचे छोटा सा ऊपर लंबा, ये सब आकार है, ऐसा ऐसे हड्डियों की रचना होती है, वज्र जैसी हड्डी, हड्डियाँ भी वज्र की, उसके बाद हड्डियों के जो जोड़ है वो भी वज्र के, जो कीली है उसमें जॉइंट है मतलब जैसे टाइट बेल्ट होता ना नट नट बोल्ट, वो सब भी वज्र के, माने वो यूं भी कर दे किसी को, अपने को यूं कर दे तो अपने सारे अस्थि पंजर अलग हो, अरे पहाड़ को यूं कर दे वो यूं जरा सा पहाड़ को यूं भी कर दे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसा वज्र विषम नारा सन होता है हनुमान जी का, ऊपर से गिरे पहाड़ चूरम चूर हो गए,
टुकड़े टुकड़े हुए, फट सा हुआ पड़ा। देखा नीचे हनुमान जी जो है विमान से गिर पड़ेंगे ना। नीचे देखा कहाँ है बालक को ढूंढा तो बालक तो आराम से हंस रहा था और वो पहाड़ के चूरे चूरे हो गए। जैसे भज विषम नाराज होता है, अभी किसी का नहीं ऐसा है, अभी तो बहुत कमजोर होता है सब। अभी तो ऐसा है कि कोई बिल्कुल जरा सा ऊपर जैसे सांप होता है ना, सांप को हिलाओ क्योंकि सब नसें अलग अलग हो जाती है, जैसे आदमी को भी हिला लेना थोड़ा सा तो उसकी नसें अलग हो जाती है। असंप्राप्ति प्राप्ति का सहनन जैसा सहनन होता है सबसे हीन सहनन। हड्डियाँ हड्डियाँ कोई अपने ठिकाना थोड़ी ना, चला माना सारी अस्थियों के सारे नशे अस्थियों से बंधी हुई है, बस बंधी हुई है, उसमें कोई वज्र वज्र तो ही नहीं, वो तो ऐसी है बिल्कुल, वो भी कम निकल जाए ठिकाना। और उनकी तो बंधी हुई नहीं होती, अच्छे बेट होते हैं मतलब अच्छे बैठन होती, अच्छा जो है उसका जॉइंट होता है, अच्छी गांठें होती है, और वो गांठें भी होती है तो वो जैसे जैसे आगे ऊपर के सनन होते हैं वो वज्र की होती है वो गांठें, किसी की सब वज्र की है, किसी की कुछ वज्र की है, किसी किसी की और आधी वज्र की है, किसी की आधी कीली थे, ऐसे ऐसे सब चीज़ें। हाँ बहुत सही बात है, तो वो अभी हो ही जाते ना, लोग चलते चलते ही हो जाते जरा जरा से कहते हैं फ्रैक्चर, लेटे लेटे में फ्रैक्चर। तो क्या मतलब कितनी हड्डियाँ कितनी कम ताकत है, कोई शरीर में ताकत ही नहीं ना, पाँव अपने शरीर अपना वजन नहीं सह पाता है, टुकड़े टुकड़े मतलब उसकी हड्डियाँ टूट जाती है बेचारे, क्या करो। तो ये शरीर का ये सब कर्म का उदय, देखो कर्म का उदय नहीं हो कुछ नहीं होएगा। तो शरीर के मतलब इस प्रकार के ही मिलते हैं, सब वज्र का है मतलब वज्र विषम नाराज सहन, कुछ वज्र का है वो वज्र नाराज, वज्र विषम नाराज है, फिर वज्र नाराज है, फिर नाराज है मैंने कीलियों से ठिकी हुई है सब, फिर अर्ध नाराज है, फिर कीली थे कीली तो है, और फिर असंप्राप्ति स्प्राप्ति का सहन, बिल्कुल जैसे सांप को नशे जो है बस तो बंधी हुई है ऐसे है, मतलब इस तरह के शरीर के अव्यय, फिर संस्थान सहनन, फिर स्पर्श रस के साथ, गंध के साथ, वर्ण के साथ, ऐसे ये सब नाम कर्म के भेद। शरीर ऐसा होना हल्का, अधिक हल्का भी नहीं, उड़ जाए खुद से ही अपने आप में, और इतना भारी भी नहीं कि चल ही नहीं पाए, ये अगुण लघु नाम कर्म। उपघात अपने शरीर के अव्यय से अपने घात हो जाए, और परघात अपने हाथ पांव दूसरे के घात करने में, ऐसा ऐसे हाथ पाँव मिले जिससे हम दूसरों का घात कर सकते हैं, पर घात ना कर का उदय आता शरीर के उदय से, मतलब ऐसी शरीर में कांति हो ऐसा मतलब जिसके कारण शरीर की प्रभाव उष्ण हो, शरीर की प्रभाव कैसी हो उष्ण, अथवा शरीर की प्रभाव शीतल हो, चंद्रमा है उसकी प्रभाव शीतल, पृथ्वी का एक सूर्य का बिंब में जो रहने वाले पृथ्वी का एक जीव है उनका जो शरीर है उसकी प्रभाव उष्ण होती है, पृथ्वी कायिक वो जो सूर्य के बिंब में है वो मूल में सूर्य बिंब शीतल है और उसकी प्रभाव उष्ण है, मूल में शीतल है सूर्य शीतल है उसकी प्रभाव उष्ण है, बस अग्नि को उष्ण नाम कर्म का होता है, मूल में भी उष्ण है और प्रभाव भी उष्ण है, और ये सूर्य का बिंब शीतल है लेकिन उसकी प्रभाव उष्ण है, ऐसे ही है। अब जाएंगे तब देख लेंगे हम जाएंगे, लेकिन लिखा है ऐसा शास्त्र, चंद्रमा का बिंब है मूल में भी शीतल है उसका प्रभाव भी शीतल है, उद्योत नाम कर्म का होते हैं, जुगनू के उद्योत नाम कर्म का होते हैं, जैसे सब नाम कर्म है, ये सब तीर्थंकर भी नाम कर्म है, जिसके शरीर से लोक में यश फैले, तीन लोक के जीवों से पूज्य हो, त्रस बने स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त साधारण पर्याप्त निगोदिया बने, या एक शरीर का एक स्वामी एक शरीर का अनंत स्वामी, इस स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ शरीर के अव्यय शुभ हो शरीर के अव्यय अशुभ हो, आधे लोग से लोग सब सारे लोग दुनिया में उसकी उसको पसंद करें नहीं पसंद करें, यशस्वी लोग में यश फैले अयश फैले, सुस्वर अच्छा ईश्वर हो दुस्वर सब नाम करके भेज, त्रियाणु नाम करके भेज, किसी को याद नहीं है
नहीं सूत्र से बता दो चलो। प्रत्येक प्रत्येक त्रस प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक आयोग प्रत्येक श्रेणी त्रस शुभ शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदे यशस्कृति तीर्थ यशस्कृति सेत्राणाम तीर्थंकरत्व च ये पूरा सूत्र यार्थम बोले इसमें सब नाम है गति जाति शरीर अंग पाम निर्माण बंधन संघा संस्थान सनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुकूल के गुण लघु कान प्रगात आता बुद्धि उच्छा है वृत्ति प्रत्येक क्षेत्र शुभ 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 सूक्ष्म पर्याप्त स्थिर आदि यशस् कृति सेत्राणाम तीर्थंकरत्व च ये सूत्र है सबसे बड़ा सूत्र है ये उसके बाद भी चल अच्छा है ना अच्छा वो तो उसके लिए सेत्राणाम वो सब सेत्राणाम सेत्राणाम वो सेत्राणाम मतलब उसके उल्टे प्रत्येक का उल्टा स्थिर का उल्टा शुभ 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 का उल्टा दस के नाम उनके उल्टे ठीक है ऐसे त्रियाणु नाम कर्म के भेद आप थोड़ा पढ़ के आना। अब गोत्र कर्म के क्या क्या भेद देखो गोत्र कर्म के दो भेद सीधे सीधे उच्च गोत्र नीच गोत्र इसका क्या उदाहरण है अरे नाम कर्म का उदाहरण बताया नहीं नाम कर्म का क्या उदाहरण है चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है पेंटिंग नाना प्रकार की ड्राइंग्स ऐसे नाम कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीरों की रचना होती नरक तिरियन तिरियंचों कितने शरीर है बरसात में कितने प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं क्या त्रियंचो नहीं कुल मिला के 93 अंत में गोत्र कर्म जो जीव को ऊंचे नीचे कुल में उत्पन्न करा के ऊंच नीच कुल में ऊंच नीच कुल का क्या मतलब है यहाँ ऊंच माने कौन सा कुल ऊंच जैन कुल उच्च सामान्य में उच्च कुल माना जाता है लेकिन एक्चुअल में कुल का संबंध जो है वो आचरण से जैन होके भी ऐसे काम करें जो नीच कुल करते हो तो वो नीच कुल के ही नीच गोत्र के उदय से और अच्छा काम करे तो उच्च गोत्र का होता माने हीन पुरुषों योग्य कार्य करना माने आचरण से संबंध है इसका इसका संबंध कोई ये नहीं कि बस पैसे से पैसे वाले कुल में पैदा होना वो उच्च गोत्र है और बस जब पैसे से मतलब नहीं अच्छे आचरण अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षाएं जिस कुल में मिलती हो ऐसे कुल में जन्म लेना उच्च गोत्र कर्म का उदय है और ऐसी जगह जहाँ नीच हल्की शिक्षाएं बिल्कुल खोटे संस्कार खोटी चीजें सीखने को मिले जब शराब से नहाने को बड़ा पवित्र माना जाए शराब पीने को पवित्र माना मांस खाना पवित्र तो वो सब क्या है नीच गोत्र का उदय तो इस प्रकार से दो भेद है उससे ऊंच और नीच कुल ऊंच और नीच कुल में उत्पन्न होने से ऊंच और नीच गोत्र ठीक है ये इसका क्या उदाहरण है गोत्र का कुमार कुमार ऊंचे नीचे घड़े बनाता है ऐसे ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र माने ऊंचे कुल में उत्पन्न होना और नीचे कुल में उत्पन्न होना ऊंचे नीचे घड़े बने बड़ा घड़ा उच्च गोत्र छोटा घड़ा ठीक है ये इस प्रकार से अपना कर्म का चैप्टर पूरा हो गया इसमें कुछ चीजें बच गई है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग और कर्म की 10 अवस्थाएं ये प्रकृति प्रदेश तो अपन थोड़ा कठिन चीज है और कर्म की अवस्था ये बाद में करेंगे कल देखेंगे तभी बाद में कल तो